Good morning, Assalamualaikum, कहिए जनाब क्या हाल चाल है, फिट हैं भाई? मैं आज बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत खुश हूँ, इसलिए कि होता ना कभी कभी बहुत अरसे के बाद कोई पुराने यादें ताज़ा करने के लिए कोई ऐसे रिश्तेदार आपके घर आ रहे हों जिनसे बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही हो, कोई कज़न, कोई मुमानी, कोई ताई अम्मा या आपके कोई और पुराना क्लास फेलो बहुत अरसे के बाद आए तो आप कहते अरे वाह भाई अमल आ रही है। ओ वाकई अमल आ रही है, और अमल हमारी वो दोस्त है, मेरी वो क्लास फेलो है कि जो जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था बहुत दिनों पहले, बहुत महीनों पहले, तो वो हमारे फर्स्ट प्रोग्राम की किड सेगमेंट की फर्स्ट गेस्ट थी, फर्स्ट होस्ट थी, और उसके बाद बहुत सा उन्होंने काम हमारे साथ किया राइजिंग पाकिस्तान की टीम के साथ, पीटीवी के साथ, लेकिन फिर अपनी कुछ निजी मसरूफियात की बिना पे, आपको पता ना मेरे क्लास फेलोज बहुत बिजी लोग होते हैं, मेरी तरह वेले नहीं होते रोज आ जाए जनाब राइजिंग पाकिस्तान करने, ये कभी कभी आते हैं स्टार अपीयरेंस देते हैं, तो अमल आज स्टार अपीयरेंस दे रही है बड़े अरसे के बाद, आई एम सो वेरी हैप्पी कि अमल के साथ आज मजे मजे की बातें होंगी। और मुझे याद है आप में से बहुत से लोग इस वक्त सोच रहे होंगे अरे हमें याद है अमल कौन सी वाली है, बड़ी मजे की बातें करती है। सो आज अमल का टॉपिक है जनाब द पावर ऑफ रीडिंग, यानी किताब बीनी की ताकत, पढ़ने की पावर, और इस हवाले से ये कुछ किताबें भी अपनी लेके आई हैं एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड के इनसे मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा जनाब अमल के अलावा क्या है, अमल के अलावा है डॉक्टर नौशीन, डॉक्टर नौशीन अब्बास जो कि पाकिस्तान की एक लीडिंग न्यूट्रिशनिस्ट है, और डॉक्टर नौशीन बड़े मुश्किल मुश्किल अल्फाज के बड़े आसान आसान मतालब हमें बताती हैं, और आज भी न्यूट्रिशन के हवाले से कुछ बहुत ही मुश्किल सा एक टॉपिक उन्होंने चुना है जो अंग्रेजी मेरे ऊपर से शुम करके गुजर गई, कुछ मुझे समझ नहीं आई, लेकिन उनसे हम समझेंगे कि हमारी न्यूट्रिशन के लिए, हमारी हेल्थ और बॉडी की फिटनेस के लिए हम किन इंग्रेडिएंट से, किन अज्जा से, कौन सी सब्जियां, फल, गोश्त, किस तरह से उन अज्जा से हम अपने लिए एक बेहतर जिस्म, एक बेहतर बॉडी तश्कील दे सकते हैं। सो डॉक्टर नौशीन का सेगमेंट होगा, ट्रेनर काशिफ, ट्रेनर तहमीना बिल्कुल होंगे, और आज स्ट्रेचेस पे काम होने लगा, और आपको मालूम ही है हम अक्सर बात करते रहते हैं कि एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन स्ट्रेचेस जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं एक्सरसाइज से पहले भी बाद भी, लेकिन कुछ लोग तो अब कहते हैं कि टोटल आपका वर्कआउट स्ट्रेच बेस्ड होना चाहिए, इसका भी बड़ा सीन है, तो ये जनाब ट्रेनर काशिफ, ट्रेनर तहमीना से हम सुनेंगे। फातिमा मेरे साथ होंगी, मेरी कॉलीग फातिमा जदून, चार अच्छी अच्छी खबरें लेकर आई हैं, बहुत मजे की खबर तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लग रही है, मेरा बस जी कर रहा है कि जल्दी से वो आप तक पहुंचाई जाए, तो आपने फातिमा के सेगमेंट जरूर देखना है, उसमें एक खास खबर है, मैं उस वक्त बताऊंगा कि वो कौन सी वाली पर्टिकुलर है जो मुझे आज बहुत पसंद आई है। उसके बाद जनाब क्या है, उसके बाद वो तमाम मेरे दोस्त इकट्ठे हो जाए, मुतवज्जे हो जाए, जो टीवी एंकर बनना चाहते हैं, खास तौर पर करंट अफेयर्स के शोज के, इसलिए कि हमारे एक नौजवान एंकर जो बहुत अरसा उनका ताल्लुक, उनका एक रिश्ता पाकिस्तान टेलीविजन पीटीवी न्यूज़ से भी रहा, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करते हैं मंसूर काजी, और मंसूर बहुत ही एक अच्छे सुलझे हुए एंकर मुझे लगते हैं, मैं आई एम वेरी हैप्पी कि आज राइजिंग पाकिस्तान में मेरे मेहमान होंगे, लेकिन उनसे मैंने पूछना ही है कि बुनियादी तौर पर बाई ट्रेनिंग ही इज़ अ बैंकर, और बैंकर से जनाब वो बन गए हैं एक टीवी एंकर, तो बैंकर से एंकर का जो सफर है ये कैसे तय हुआ, और क्या ऑल द बैंकर्स आउट देयर, ऑल द टीचर्स, लॉयर्स आउट देयर, क्या दूसरे प्रोफेशन से टीवी एंकर बनना कैसे मुमकिन होता है, इसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, और खास तौर पे हमारे यंगस्टर्स जो इस वक्त एस्पायरिंग, जो कहते हैं हम बड़े होके तौसीक हैदर बनेंगे, या बड़े होके हम काशिफ अब्बासी बनेंगे, या बड़े होके हम आई डोंट नो नादिया खान बनेंगे, या बड़े होके हम जुगन काजम बनेंगे, जो भी आपके यंगस्टर्स की ड्रीम्स हैं टीवी एंकरिंग के हवाले से, इस हवाले से मंसूर से कुछ टिप्स हम लेंगे और आपको देंगे, तो यह सब आज के राइजिंग पाकिस्तान में मेरे और मेरी टीम के पास आपके लिए, रही मेरे साथ एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद अमल के पास चलते हैं और जरा पावर ऑफ रीडिंग की बात करते हैं, यह है राइजिंग पाकिस्तान। लो जी लो राइजिंग पाकिस्तान में आ गई हैं आज अमल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, बहुत दिनों बाद आपका आना हुआ हमारे यहाँ। जी वो सर्दियाँ हो रही थी, इस वजह से अब स्प्रिंग आ गई है तो मैं भी आ गई हूँ।
वाह जी वाह, स्प्रिंग आ गई है तो अमल भी आ गई है ना, अमल बहार बन के आई है हमारे शो में। अच्छा जी, क्या टॉपिक है आज? आज मैं आपको टॉपिक बताने से पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। जी पूछिए। ये जो आपके काशिफ अंकल होते हैं, ये तो एक्सरसाइज जो होता है उनका, ये बॉडी के लिए होता है, लेकिन ब्रेन का एक्सरसाइज क्या होता है? ब्रेन का एक्सरसाइज क्या होता है? ब्रेन का एक्सरसाइज होता है पाकिस्तानी टीवी ड्रामे देखना। नहीं नहीं, रीडिंग। रीडिंग, वेरी गुड। और वही मेरा आज का टॉपिक है, द पावर ऑफ रीडिंग। यानी कि किताबें पढ़ना है ना, इससे ब्रेन की एक्सरसाइज होती है। जी, वेरी गुड वेरी गुड। तो जब हम जो हम लोग सबसे पहले जिस चीज के बारे में हम लोग लर्न करेंगे वो है व्हाट इज द पावर ऑफ रीडिंग। ओके, तो व्हाट हैपेंस टू आवर ब्रेन व्हेन वी आर रीडिंग। हमारे ब्रेन को इमेजिन करेंगे वो एक फ्लोर है, ठीक है, एंड व्हाइल वी आर रीडिंग उसमें रूम्स बनते जाते हैं जिसमें जो भी वर्ड हम लोग रीड कर रहे होते हैं वो स्टोर होता जाता है। ओके, ठीक है। और हमारा यानी हर वर्ड जो है वो अपनी जगह पे सेव होता जा रहा है ना, जी, मुख्तलिफ बॉक्सेस के अंदर ब्रेन के अंदर, ठीक है। और हमारे ब्रेन में क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन, एंड वी बिकम स्मार्टर। हम क्रिएटिव हो जाते हैं, हम सोचने लग जाते हैं, हमारी इमेजिनेशन तेज हो जाती है ना, और हम स्मार्ट हो जाते हैं जो जो हम पढ़ते जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। और क्या होता है जी? और है, हाउ कैन वी स्टार्ट टू लव रीडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पढ़ना तो हम सबको पता है अमल की बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हम पढ़ने के अमल को ज्यादा इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं कि हमें शौक पैदा हो जाए कि हम किताबें पढ़ें। ये हमें टिप्स दीजिए। मैंने ज्यादातर लोगों को देखा हुआ है कि दे डोंट लाइक रीडिंग, और व्हेन इट कम्स टू रीडिंग वो फेसेस बनाना शुरू कर देते हैं, है ना, ये अब किताब अमल ले आई है, ये क्या है जी, हैरी पॉटर, ये पढ़नी पड़ेगी, ये तौसीक अंकल इतनी मोटी किताब कैसे पढ़ेंगे, मुझसे तो नहीं पढ़ी जाएगी, है ना, ऐसे करते हैं लोग। तो फिर इसका क्या हल है? इसका ये है कि हम वी शुड स्टार्ट लाइकिंग रीडिंग, और दे जस्ट मेक अ थिंग इन देयर माइंड के रीडिंग बोरिंग है, इस वजह से वो नहीं पढ़ते। इफ दे चेंज देयर माइंड तो हो सकता है वो रीडिंग के शौकीन हो जाएंगे। अच्छा, यानी अपने जहन से इस ख्याल को निकालना है कि पढ़ने में बोरियत होती है, पढ़ने में बस इंसान बोर हो जाता है, टाइम लग जाता है, इस ख्याल को अपने जहन से निकालना है और सोचना है कि पढ़ाई जो है वो बहुत दिलचस्प एक अमल है। जी, मैं खुद से, मुझे बहुत ज़्यादा बुक रीडिंग पसंद है, और मैं जब छोटी थी तब मैंने छोटी छोटी बुक्स स्टार्ट किया, जैसे प्रॉफिट बुक्स की या नॉर्मल बुक्स से। फिर मेरा जो फर्स्ट नॉवल था वो हैरी पॉटर था। कौन सा वाला इनमें से? इनमें से मैंने ये वाला सेकंड हैरी पॉटर स्टार्ट किया था। वाओ, और उसके बाद और फर्स्ट और थर्ड। ये भी हैरी पॉटर, अमल ने सबसे पहले ये किताब पढ़ी थी, और ये जरा देख लें, ये किताब सारी अमल ने पढ़ी हुई है, है ना? ये इन तीनों को टोटल में 1154 पेजेस बनते हैं, और मैंने इन सारी नॉवेल्स को मैंने 12 डेज में रीडिंग कर ली। जी नहीं, नो, मैंने कैलकुलेट किया था। वाकई 12 डेज में आपने तीनों नॉवेल्स कंप्लीट किए? जबरदस्त भाई, मैं तो 12 डेज में, मैं तो पूछ-पूछ के हिज्जे कर-करके, अच्छा ये इसका क्या मतलब है, मेरे से तो ये हो जाता है। ये जो मेरी डायरी है इसमें जो भी वर्ड्स मुझे नहीं समझ आ रहे थे वो मैंने इसमें लिखे हुए हैं। अभी तक किसी का मीनिंग नहीं आता, यहाँ कुछ लिखे हुए होंगे, यहाँ नहीं लिखा है। वाह जी वाह, बिल्कुल। अब जाहिर है इस डायरी को हम क्लोजअप में आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन इसमें वाकई एक लिस्ट बनाई हुई है अमल ने उन अल्फाज की जो कि बिल्कुल नए अल्फाज थे अमल के लिए, और वो पहली बार पढ़ रही थी। अब ये इससे एक तरह से उनकी नए अल्फाज की कलेक्शन हो गई। और अभी जो तौसीक अंकल बात कर रहे थे कि मुझे अल्फाज समझ नहीं आते फिर मैं क्या करूं, तौसीक अंकल ने अब एक नई चीज़ आज सीख ली है ना, कि जो अल्फाज आपको किताब में समझना है उनको अलग से डायरी में लिख लें ताकि आप उनको दोहरा सकें। वेरी गुड। आपके पास बहुत ज़्यादा बुक ऑप्शंस हैं, इफ़ यू डोंट लाइक दीज वंस तो आप किसी भी तरह की बुक्स ले सकते हैं, जैसे स्पेस है यहाँ, और यहाँ ये चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री की भी मैंने बुक ली हुई है। देखिए ना, अपने अपने शौक की बात है, जिस तरह ये भी किताब अमल हमारे लिए लेकर आई है स्पेस, अगर आप खला में स्पेस में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस तरह की किताबें आप ले सकते हैं।
हैरी पॉटर की तरह नॉवल। स्टार्टिंग में इसमें मैप्स हैं और फिर वो हम लोगों को बता रहे हैं, देखिए ये 2 मैप्स हैं, इन्हें निकालते हैं यहाँ से तो बड़ा सा मैप बन जाता है। ओके 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 ओके। और उन मैप्स को फिर इसमें बच्चे फिर खुशी से ये देखे ना, अब ये बड़े बड़े मैप्स बन गए यूनिवर्स के। वाओ द यूनिवर्स, देखिए जी अमल पूरा यूनिवर्स हमारे लिए लेकर आ गई है ना। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा तो इस तरह की चीजों से फिर आपको शौक डेवलप हुआ किताबों का। वेरी गुड वेरी गुड। तो अब आजकल क्या पढ़ रही हैं आप, कौन सी बुक्स पढ़ रही हैं आजकल? मैं अब इन्हीं को इसमें थोड़ी सी फनी पार्ट्स लगे हैं उन्हें दोबारा से पढ़ रही हूँ, और कभी दूसरी तरह की बुक्स मेरे घर में पड़ी हुई हैं छोटी वाली, उन्हें पढ़ रही हूँ। इस वाली बुक को मैंने वन डे में पढ़ लिया था। वन डे में पढ़ लिया था आपने चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री एक दिन में? ये सारे पेजेस? जबरदस्त भाई, बड़े मजे का आज आपका सेगमेंट था अमल, और मैं बड़ा इंस्पायर हूँ अमल से कि हम देखे ना, मैं भी अपने स्मार्टफोन में घुसा रहता हूँ तौसीक अंकल, कभी इंस्टा तो कभी व्हाट्सएप तो कभी फेसबुक है ना, और फिर शो कर रहे होते हैं तौसीक अंकल, फिर घर जाते हैं, फिर तो पढ़ाई कम हो रही है आजकल मेरी भी। आज मैं आपसे बहुत इंस्पायर हूँ, मैं भी आज जाके ना कोई अच्छी सी बुक शुरू करता हूँ, है ना। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वो यहाँ यू कैन स्टार्ट कलेक्टिंग बुक्स, आप अपनी खुद की लाइब्रेरी बना सकते हैं, और गूगल के अकॉर्डिंग 130 मिलियन बुक्स आ चुकी हैं इस वर्ल्ड में। 130 मिलियन बुक्स आज तक लिखी जा चुकी हैं पूरी दुनिया में, प्रिंटेड बुक्स। प्रिंटेड बुक्स, वेरी गुड वेरी गुड। और अपनी लाइब्रेरी बनाएं और उसको फिर और फ्रेंड्स को भी उसमें से किताबें गिफ्ट करें, फिर वो वापस आपको दें, है ना, आप एक्सचेंज कर सकते हैं बुक्स। लियोनार्डो डा विंची ने एक बहुत ज्यादा बड़ी बुक लिखी थी व्हिच वाज रियली एक्सपेंसिव, और वो है 30 मिलियन डॉलर्स की, और उसे किसने बाय की? किसने? बिल गेट्स। लीडर्स आर रीडर्स, लीडर्स आर रीडर्स। थैंक यू सो मच अमल, बहुत मज़े का आपका सेगमेंट था और मैंने बहुत कुछ उससे लर्न किया, और आज का टेक अवे अमल का है जी, लीडर्स आर रीडर्स। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कहीं भी लीडरशिप पोजीशन पे आना चाहते हैं तो आपको बहुत सा पढ़ना है। हैव अ ग्रेट डे अमल, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में साथ ही एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ट्रेनर तहमीना और ट्रेनर काशिफ हमारे साथ होंगे, और आज हम कुछ बॉडी को स्ट्रेच करने वाले, कुछ स्ट्रेचेस पे काम होगा। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। बार फिर आपको राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे हम कहेंगे वेलकम। पीटीवी न्यूज़, पीटीवी होम, पीटीवी ग्लोबल, यूएस, यूके, मिडल ईस्ट, जहां भी आप हमें देख रहे हैं तैयार हो जाइए, इसलिए कि आज एक जुदा अंदाज में वर्जिश की कुछ टिप्स आपको देने आए हैं ट्रेनर काशिफ, ट्रेनर तहमीना। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये तो जिंदगी बड़ी आसान कर दी आपने, है ना, बस सिर्फ स्ट्रेचेस करो और काम तमाम। नहीं, स्ट्रेचेस भी बहुत मुश्किल होते हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं, खासतौर पर उन लोगों के जिनके मसल पट्ठे सख्त हैं और हड्डियाँ जोड़ जो हैं वो भी सख्त हैं, उनमें स्टिफनेस है, उसमें नरमी लाने के लिए, उनको फ्लेक्सिबल करने के लिए आज का हमारा वर्कआउट डिजाइंड है। बच्चों के लिए 10 से 20 सेकंड्स तक, बड़ों के लिए 20 से 60 सेकंड्स तक स्ट्रेच होल्ड करना है। और ये भी ज़रूरी है कि जो हम एक्सरसाइजेज आपको आम रूटीन में बताते भी हैं तो उसका भी आपने ये ध्यान रखना है, कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी है उतनी ही, कि अगर आप हाथ बेंड ही नहीं कर सकते या कुछ कर नहीं सकते वो आप कैसे करेंगे वो हम आज आपको बताएंगे। लेकिन आप करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि व्हेनेवर यू डूइंग स्ट्रेचेस, लाइक आप स्ट्रेचिंग करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बॉडी वार्म अप हो, ठीक है, उसके बगैर आप बिल्कुल स्ट्रेचेस नहीं कर सकते और करने भी नहीं चाहिए। तो अब आपने फॉर एग्जांपल अपनी एक्सरसाइज फिनिश कर ली या आपने एक्सरसाइज की ही नहीं है, आपने वैसे ही वार्म अप कर, वार्म अप किया और वार्म अप के बाद आज हमने सिर्फ स्ट्रेचेस, स्ट्रेचिंग भी एक रूटीन है एक्सरसाइज की जो हमने करना है। अच्छा, मसल लेंथन करने के। अच्छा, अब हम जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई एक्सरसाइज नहीं की, हम स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हम थोड़े से आर्म सर्कल करेंगे आपके शोल्डर्स को और आर्म्स को रोटेट जब आप करते हैं, ठीक है, तो आपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जाना है,
ताकि आपके जो जॉइंट्स है, बॉल और सॉकेट जॉइंट इसको बोलते हैं, जो कि हर तरह की मूवमेंट कर सकता है, तो क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज आपने इसको रोटेट करना है 10 times 20 times आपने किया। उसके बाद आपके आर्म्स हो गए, उसके बाद आपने सेम यही चीज करनी है कि जैसे आपने हैंड्स अप किए, ये जैसे हम शोल्डर प्रेस करते हैं, आपने उसी तरीके से इसको अप एंड डाउन करना है, ऊपर एक्सहेल और नीचे इनहेल, ताकि आपकी बॉडी थोड़ी सी वार्म अप हो जाए, जॉइंट्स को एंगेज करने की कोशिश करें और टेक योर टाइम, नाइस एंड कंट्रोल। और मुझे इससे मुझे ख्याल आ रहा है ट्रेनर काशिफ के, अक्सर आप भी मुझे जिम में कभी मैं वेट्स ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो आप, मैं वेट्स जब नीचे रखता हूँ तो आप कहते हैं अब यही वाला अमल बगैर वेट्स से करना, उसकी क्या वजह होगी? वो ताकि जो बेसिकली हमने मसल फटीग किया है, टिश्यूज को हमने डैमेज किया है छोटे छोटे, अब उसके बाद मसल की स्ट्रेच फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, ताकि मजीद लेंथन कर सके वेट के बगैर, वो तो स्ट्रेस दिया हमने वेट के साथ, अब वेट के बगैर उसको शॉक देने के लिए ताकि मसल आपका और खुल सके। अच्छा जी, अब सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपने स्ट्रेचिंग की रूटीन की, विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगर मसल जो कि आपका लेग्स होता है। आपने करना क्या कि जैसे आप खड़े हुए हैं, खड़े होकर आपने एक लेग स्ट्रेट की यहाँ से, ठीक है, एंड यू आर कमिंग ऑन हील, आप हील पे आए हैं, अब आपने यहाँ से हाथ पीछे यानी यू बेंड किए ताकि आपको हैंड नजर आए, एंड यू बेंड, ठीक है, ये अब जब आप बेंड करेंगे, एक तो आपके शोल्डर और आपकी बैक स्ट्रेच हो रही है यानी चेस्ट मसल आपका पेक्टोरल मेजर, और दूसरा आपका हैमस्ट्रिंग इसके लिए, और ये नीज के लिए भी बहुत अच्छा है। जो नीज में स्टिफनेस और पेन होती है तो जब आप यूं लेग टो इस पे लाते हैं तो आपके नीज के लिए भी बहुत अच्छा है। आपने इसको कम से कम भी 30 seconds या मिनिमम 20 seconds आपने इसको होल्ड करके रखना है। जब आप ये कर लेंगे उसके बाद अगेन आप दूसरी साइड पे जाएंगे, आपने उसी तरह से किया। अब अगर ये हाथ पीछे लेके जाना बहुत मुश्किल है कि अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आप सिंपल यहाँ पे हाथ रखें एंड यू कैन बेंड। अच्छा, जितना बेंड करते जाएंगे इफ यू आर मोर फ्लेक्सिबल यू कैन आप नीचे आते हैं। और ये ट्रेनर तहमीना बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं, और ये मेरा अपना जाती साथियों तजुर्बा है कि जब मैंने ये जिम वगैरह ये सब काम शुरू किए तो मैं बाकायदा मैं घुटनों से नीचे मेरे हाथ नहीं जाते थे, और उसके बाद मैंने खुद ही महसूस किया, काशिफ ने मुझे कहा तौसीक साहब आपने गौर किया कि विद इन 2 months आप अ प्रॉपर स्ट्रेचिंग के एक्सरसाइजेस कर रहे थे। आई वाज एस्टोनिश्ड कि इंसान का जिस्म भी उसमें अल्लाह ताला ने कितनी फ्लेक्सिबिलिटी नेचुरली बना के रखी हुई है, लेकिन हम क्योंकि उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे होते तो हमने उसको इनफ्लेक्सिबल कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही। अब उसके बाद आपने क्या करना है जिसको हम कहते हैं क्वाड्स की, ठीक है, ये आपके क्वाड्स जो मसल है फ्रंट थाई आपकी उसका स्ट्रेच है, बहुत कॉमन स्ट्रेच भी है जो लोग पार्क में जाते हैं एक्सरसाइज करते हैं। जब जितना आप पाँव को पीछे पुश करते जाएंगे उतना यू विल फील द स्ट्रेच इन योर क्वाड्स। ये हम स्पोर्ट्समैन को देखते हैं वो बहुत ये काम कर रहे होते हैं, बहुत करते हैं, क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स, बिल्कुल। अब ये अगर खड़ा होना आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप किसी भी चीज का सहारा ले सकते हैं और आप खड़े हो सकते हैं, लेकिन आपने जो है ना कोशिश ये करनी है कि बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहे, सिर्फ लेग को आपने पीछे यानी पाँव को प्रेस करना है। जब एक कर ली फिर आप दूसरी साइड पे चले, अदर साइड स्विच किया और स्ट्रेच आपने जी, और इसी के साथ इसी तरह की जो अगली एक्सरसाइज है कि जब आप ये कर लेंगे जी दूसरी लेग के इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल बेंड करके नाइस एंड बिल्कुल, और जब आप ये कर लेंगे तो फिर यू विल होल्ड इट लाइक दिस यहां पे, ठीक है। अब ये बैलेंसिंग भी आपको चाहिए, लेकिन वही जैसे मैंने कहा कि आपने किसी चीज को सपोर्ट किया फॉर एग्जांपल यूं एंड यू विल होल्ड इट, और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आते जाइए, कोशिश करें बैक स्ट्रेट रहे, कोशिश करें कि आप इसको होल्ड करके एंड यू फोकस, बार बार आपको इस चीज पे हम कहते हैं कि फोकस करें, क्योंकि फोकस का होना बहुत जरूरी है, ये नहीं कि आप किसी और चीज के बारे में सोच रहे हैं उस टाइम पे, स्पेशली इस तरह की एक्सरसाइज ऑल द वे एग्जैक्टली। अपने फेवरेट ड्रामे की आखिरी किस्त के बारे में नहीं सोचना, बिल्कुल नहीं सोचना। उसके बाद आप जैसे पहले लेग आपने स्ट्रेट की थी इसी तरह आपने पांव ओपन किए, अब आपने स्ट्रेच किया ये एंड यू गो ऑल द वे डाउन, ठीक है। अब जब आप ये वापस भी आना है मुंडियों कुड़ियों ये आपने होल्ड करना है, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बढ़ेगी, अब ये हैमस्ट्रिंग में, आपको लोअर बैक में, आपके आर्म्स में, शोल्डर्स में, ये जो आप देख रहे हैं ख़वातीन हज़रात इस वक्त काशिफ और तहमीना, ये नहायत मुश्किल अमल है, बहुत मुश्किल एक्सरसाइज है, मुश्किल स्ट्रेस स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, और ये जितना आपको स्ट्रेस रिलीव करने में मददगार साबित होगा आप सोच भी नहीं सकते। यू फील गुड, बहुत अच्छा महसूस करेंगे स्ट्रेचिंग। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि आप लेग स्प्लिट करेंगे, ठीक है, आपने जैसे वाइड ओपन किया है, ठीक है, मैं एक दफा बताऊंगी फिर काशिफ भी बताएंगे। अब आप हाथ यहाँ रखेंगे And you were open. All the way. ठीक है, अब जैसे अगर यहाँ पे कि आप ये आपकी पूरी की पूरी oblique और lower back की है, legs की भी आपकी stretching है, लेकिन हर बंदे के लिए possible नहीं। अगर आप यहाँ आ सकते हैं, तो then you go there. Lower body locked है और upper body 180 twist हो रहा है। जी।
बिल्कुल ठीक है। अब यही वाली स्ट्रेच हमें काशिफ यहाँ सामने खड़े होकर दिखाएंगे, कैमरे के सामने की तरफ करके, कैमरे के सामने थोड़ा सा पीछे होता हूँ, यहाँ पे आएंगे थोड़ा सा वाइड स्टैंड, ये हाथ सामने रखा जमीन पे और बिल्कुल आपने 180 डिग्रीज के ऊपर दूसरा हाथ ऊपर लेकर। अच्छा, इसमें दो वेरिएशंस हैं कि जैसे अभी काशिफ ने थोड़े से नीज बेंड किए हैं, अगर तो आप बिगिनर हैं तो आप बेशक, क्योंकि अगर नहीं है फ्लेक्सिबिलिटी हैमस्ट्रिंग को क्वाड्स में, तो आप हल्के से नीज बेंड करके यही सेम चीज कर सकते हैं, या नीचे कोई स्टूल रख लें। योगा में बेसिकली, योगा में बेसिकली हम उनको कहते हैं ब्लॉक्स, वो जैसे ईंटें होती है ना उस तरह के रबड़ के बने हुए ब्लॉक्स होते हैं कि आपको यानी शुरू में आप वहां पे सपोर्ट लेके और थोड़ा सा हाइट पे आके कर सकते हैं। आपने किया नहीं तो फिर आप हैंड क्रॉस करेंगे जैसे अभी मैंने किया था, तो वो आपकी और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। ये इसका मतलब है कि आप थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा उसको ट्विस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, और बड़े मजे के स्ट्रेचेस थे, और आपको बाहर लग रहा है कि इसमें तो हमने कोई एक्सरसाइज नहीं की, इसमें हमने कोई वेट्स नहीं इस्तेमाल किए, लेकिन अगर आप हफ्ते में एक दिन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेचेस करें, ये आपको स्ट्रेस रिलीफ करने में बहुत मददगार साबित होता है। जिंदगी की बहुत सी उलझनों से आप छुटकारा हासिल करते हैं, क्योंकि आप आपके ब्रेन सेल्स भी आपकी बॉडी के साथ रिलैक्स हो रहे हो, मसल पट्टे खुलते हैं और जोड़ जो है वो नरम होता। अच्छा, मैं अगली सिर्फ स्ट्रेच बता दूं, फिर काशिफ इसको परफॉर्म करेंगे। आपने स्ट्रेच है हमारी। जी, आपने यूं लेटना है और फिर आपने इसको ट्विस्ट लेके बेंड कर देना है, ठीक है। अब ये काशिफ करेंगे तो मैं थोड़ा लोअर बॉडी 180 हमारा हो गया, जैसे हमने इससे पहले अपर बॉडी 180 किया था। जी, बहुत जबरदस्त आज की एक्सरसाइज थी, और ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। और सेम वही जो चीज हमने कही कि इसको आपने होल्ड करना है आप 15-20 सेकंड या 30 सेकंड। और हमारे बुजुर्ग अफराद जो बहुत ज्यादा चल फिर नहीं सकते, किसी भी तरह की डिसेबिलिटी की वजह से बेड रिडन है, आप बिस्तर में लेटे लेटे इस तरह के स्ट्रेचेस और एक्सरसाइज कर सकते हैं। बिल्कुल, बेड पे आप कर सकते हैं। आप अगर ऑफिस में हैं तो आप ऑफिस के अंदर भी एक छोटा सा कोई मैट या कोई चादर आप रख लें, आप तब भी ये कर सकते हैं कहीं पे भी। तमीना, थैंक यू सो मच। काशिफ, थैंक यू सो मच। चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, राइजिंग पाकिस्तान में रहिए मेरे साथ। इसके बाद आपके लिए फातिमा चार अच्छी खबरें लेकर आ रही हैं। Welcome back to Rising Pakistan, PTV News, PTV Home, PTV Global, US, UK, Middle East, जहां भी आप हमें देख रहे हैं, सुबह में इस वक्त लाइव देख रहे हैं या शाम में रिपीट पे देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, हम आपको कहेंगे तैयार हो जाइए, इसलिए कि चार अच्छी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन आपने हमारे फेसबुक पेज राइजिंग पाकिस्तान पे अपनी जिंदगी से या सोशल मीडिया पे सर्फिंग करते हुए आज कहीं स्क्रोल करते ऊपर नीचे कोई अच्छी खबर आपको नजर आए तो आपने हमारे साथ जरूर शेयर करनी है, हम आपके नाम के साथ आपके क्रेडिट के साथ उसको अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अच्छी अच्छी खबरें हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी अच्छी खबरें। और मेरे लिए मुश्किल है, दो ऐसी हैं जिनमें से मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने किसको चूज करना है द न्यूज़ ऑफ द डे के तौर पे। ठीक है, चलें हम देखते हैं आज क्या होता है। ठीक है, अच्छा जी, आज की जो पहली गुड न्यूज है वो है कि यूके में एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, उन्होंने एक बहुत ही अलग किस्म का कोर्स इंट्रोड्यूस कराया। अच्छा, ठीक है, उसका नाम है साइंस ऑफ हैप्पीनेस। साइंस ऑफ हैप्पीनेस, बिल्कुल। ओके, अब इस कोर्स में बेसिकली हो ये राय कि उन्होंने बहुत सारी ऐसे चीजें बताई हैं जिसमें लोगों को जिंदगी को भरपूर तरीके से गुजारने के तरीके बताए जाएंगे। ओके, उन्होंने साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस से कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज निकाली हैं जिनसे वो अपने कोर्स के जरिए बच्चों को ऐसी एक्सरसाइजेस कराएंगे जिससे उनको जिंदगी को एक अच्छे तरीके से गुजारने का और खुश रहने का तरीका पता चलेगा। और ये बाकायदा एक एकेडमिक कोर्स है? बिल्कुल, 12 वीक का एक प्रॉपर कोर्स है। वाह, और उसके बाद आपकी जिंदगी खुश। तो चलें, मेरा ख्याल है 12 हफ्ते की छुट्टी लेते हैं पीटीवी से और रजिस्टर कराते हैं तो मैं और फातिमा खुश-खुश वापस आएं। खुश, मैं और आप तो वैसे ही बड़े, मुझे लगता है हम लोगों को अल्लाह मियां ने ये कोर्स कराया हुआ है। लेकिन जो है अब इस कोर्स को उन्होंने प्रॉपर जो है 20 अक्टूबर 2019 में ये कोर्स मतलब उनका स्टार्ट हो गया है और ऑलमोस्ट 4000 जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें एडमिशन ले चुके हैं। 4000, इससे एक बात फातिमा पता लगती है कि लोगों में खुशी ढूंढने की कितनी प्यास है। बिल्कुल, और लोग बुनियादी तौर पर खुश नहीं है। बिल्कुल, है ना? And that's तो the reason
लेकिन आपका ये कोर्स ना अंदर चल रहा होता है, सिर्फ ये कि आपने रजिस्टर कराना है अपने आप को, तो अपने अंदर ही खुशी ढूंढने, लाइफ इज ब्यूटीफुल, खुश रहना मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल मैं जागंस आपको नहीं बता रहा, वरना फातिमा की जिंदगी में और मेरी जिंदगी में हजारों ऐसी चीजें होंगी कि हम डिप्रेस होना चाहें तो हम कहेंगे लो जी लुट गए, बर्बाद हो गए, ये भी गलत वो भी गलत। सो लेकिन अच्छी चीजें भी साथ साथ आपके ब्रेन सेल्स के अंदर चल रही होती है, उनको पिक करने की जरूरत है। बिल्कुल, पॉजिटिव चीजें देखें जिंदगी, गुड न्यूज सुने फातिमा की। अच्छा जी, आज की सेकेंड जो गुड न्यूज है वो है न्यूजीलैंड की हुकूमत ने अपनी पॉलिसी में एक बहुत बड़ा चेंज लाया है। अच्छा, ठीक है, और वो चेंज ये है कि क्लाइमेट चेंज को एक बुनियादी हिस्सा बना दिया गया है। ठीक है, यानी कोई भी अगर उनका अहम फैसला होना है या कोई भी कानून का भी कोई चीज़ होनी है, कोई ऐसी चीज़ जो हमारे क्लाइमेट को, हमारे एनवायरनमेंट को असर करती है, उस चीज़ को नहीं किया जाएगा। अच्छा, मतलब बेसिकली एक क्राइटेरिया सेट कर दिया गया है क्लाइमेट चेंज का। यदि क्रॉस कटिंग एक पैरामीटर है, उसके बाद चाहे इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई कानून साजी होनी है, कोई नया कानून बनना है, चाहे मोटर इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई कानून बनना है, कुछ भी है, मैन्युफैक्चरिंग है, मेडिकल की इंडस्ट्री है, एम्युनिशन की इंडस्ट्री है जिसमें हथियार बनते हैं, बम, टैंक, जहाज बनते हैं, हर इंडस्ट्री के हवाले से कोई भी कानून बनना होगा, क्लाइमेट चेंज या एनवायरमेंट से उसको जोड़ा जाएगा कि क्या कहीं हमारे माहौलियात, हमारी एनवायरनमेंट इस कानून से या इस डेवलपमेंट से इफेक्ट तो नहीं हो। बिल्कुल, मतलब कोई ऐसा काम नहीं किया जाएगा बेसिकली जिससे आपका माहौल को नुकसान पहुंचे। इस हिसाब से तो बम बनने बंद हो जाने चाहिए। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, ये टैंक, बम, बंदूकें, क्या करना है इनका, इसके ऊपर भी मेरे ख्याल कुछ काम कुछ करना चाहिए। मेरे ख्याल फातिमा तुम्हें मुझे सियासत में आना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। लेकिन देखिए जी, ये कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई, उनके लॉ में ये चीज भी शामिल की गई है कि 2028 तक उन्होंने तकरीबन 1 बिलियन जो दरख्त हैं वो प्लांट कर देने। तो अब ये तो उन्होंने किया है ना, हमें भी कुछ कर लेना चाहिए। एब्सोल्युटली, हमारे तो वैसे भी दरख्त लगाने की ड्राइव चल रही है, क्लीन ग्रीन पाकिस्तान। सो मेरे ख्याल इसमें ये कोई मुल्कों की आपस की रेस नहीं है, इस वक्त तमाम बैनुल अक्वामी सतह पे ममालिक और हुकूमतें इस बात से एग्री करती हैं कि हमने जितने ज्यादा हम दरख्त लगाएंगे उसका फायदा, ये नहीं कि वहाँ के दरख्त से हमें फायदा हो गया, ऐसा नहीं होगा, दरख्त साढ़ा सी तो हम लोग इस तरह फायदा हो गया, सबने मिलकर दरख्त लगा रहे ताकि पूरी पूरी हमारी जो मदर अर्थ है वो ग्रीन से वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब सर दर्द का इशू तो आपको पता है कि पूरी दुनिया में हर जगह है, इसका वैसे एक हल मैंने ढूंढ लिया, मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप बताएं आपके पास क्या हल है। अच्छा जी, अब देखें, हम लोग डिफरेंट किस्म के पेन किलर्स और वो चीजें यूज करते हैं, लेकिन नेचुरल पेन किलर्स भी हैं कुछ। अच्छा, जिनको यूज करने से हम अपने सर दर्द से जान छुड़ा सकते हैं। बताइए। ठीक है, पहला तो ये कि पानी का इस्तेमाल तौसीक हमें अपनी जिंदगियों में बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक तो आगे अब समर्स भी हैं। ठीक है, और डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत लोगों को सर दर्द की शिकायत रहेगी। ओके, तो पानी ज्यादा से पानी का इंटेक आपको ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक हो गया। दूसरा ये है कि हल्दी, टर्मरिक का यूज, अब इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट तरीके हैं, कुछ लोग हल्दी को ग्रीन टी में यूज़ कर लेते हैं, कुछ दूध में हल्दी का इस्तेमाल कर लेते हैं, खानों में इस्तेमाल हो जाता है। बेसिकली ये कुछ वो चीज़ें हैं जिनको जब आप अपने नॉर्मल लाइफ में यूज़ करना शुरू करेंगे तो सर दर्द की जो शिकायत है ना वो दूर होना शुरू हो जाएगी। ओके, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारी बॉडी में जिन लोगों की मैग्नीशियम की कमी आती है उनको अक्सर सर दर्द की शिकायत। ये तो मुझे लग रहा है डॉक्टर नौशीन का सेगमेंट चल रहा है, तुमने वो सारी बातें बतानी शुरू कर दी जो वो बताती हैं, और मैं इन सब बातों की तौसीक करवाऊंगा डॉक्टर नौशीन से। अच्छा, सेगमेंट ठीक है। अच्छा, यानी आज मेरी शाम बताने, आज तुम्हारा इम्तिहान है, मैं देखूं पर्चे में कितने 100 में से कितने नंबर मिले। चले, अच्छा जी, अब अपने हमें डाइट में वो फूड्स ऐड करने हैं जिनमें मैग्नीशियम ज्यादा है। ओके, तो जिस तरह के आप लोग बादाम ज्यादा खा लें, पालक का इस्तेमाल कर लें, फ्लैक्स सीड्स यूज कर लें, ओट मील वगैरह, ये चीजें खाने से भी हमारी बॉडी में मैग्नीशियम ज्यादा बढ़ जाता है और सर दर्द कम हो सकता है। बिल्कुल। अब मैं बताऊं मैंने सर दर्द का क्या इलाज ढूंढा, क्या मैंने अपने घर से टीवी निकाल दिया। ओ अच्छा, नहीं ऐसा नहीं करें ना, आई डोंट हैव अ टीवी, सीरियसली सीरियसली सर दर्द है भाई ये, आप गुड न्यूज देखा करें ना, सर दर्द चली जाएगी। मैं भी देखा था, पास हो गई है, आगे से जवाब ये बनता था, हाँ टीवी नहीं, सिर्फ राइजिंग पाकिस्तान में आपको सर दर्द नहीं मिलेगा। हाँ, हाँ, सही बात है ना, सब कुछ पॉजिटिव, नहीं सब अच्छा है, सब अच्छा की रिपोर्ट है। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, अगर आपको हेडेक्स के, ये इट्स अ प्रूवन फैक्ट कि आप अपने सोशल टेलीविजन, तो मैंने मजाक में कहा, लेकिन अगर आप अपने सोशल मीडिया की स्क्रीन पे
आप ये देखें कि आप किन चीज़ों से अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर आप नेगेटिव खबरों से, ऐसी खबरों से जिसमें थोड़ा सा परेशानी है, इंतशार है, उसको आपके ब्रेन सेल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप महसूस करेंगे कि आपको हेडेक अगर रहता है तो यू हैव टू चेंज योर कंज्यूमर हैबिट्स ऑफ मीडिया। कि आप किस तरह की चीज़ें टेलीविजन पे, आप अगर आप ऐसा कोई ड्रामा देख रहे हैं जो बहुत डिस्टर्बिंग है, तो अपने आप को और अपने बच्चों को उस तरह के ड्रामों से, उस तरह की कहानियों से दूर रखें ताकि आप बेहतर फील कर सकें और आप आपको हेडेक ना हो। सो ये हेडेक वाली बात जो ये एक्चुअली प्रूवन है कि मीडिया की स्क्रीन आपकी हेडेक करवाती है। हम अच्छे लोग नहीं है, नहीं, लेकिन हम देखें, हम तो पॉजिटिव बातें करते हैं ना, जो हमें देखेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब हमारी आज की जो आखिरी गुड न्यूज़ है वो बहुत ही इंस्पायरिंग है, ठीक है। गुड न्यूज़ ये है कि एक इंसान जिसको बचपन में ये कह दिया गया था कि लर्निंग डिसेबिलिटी की वजह से वो कुछ नहीं कर सकेगा, और वो सारा बचपन तौसीक उसने एक स्पेशल स्कूल में गुजारा, अच्छा ठीक है, रॉनी सिडनी उनका नाम है, लेकिन आप उनकी हिम्मत को हमें दाद देनी पड़ेगी, उन्होंने सारा कुछ अपनी विल पावर से जो है जीत लिया, मतलब मैं कहती हूँ उन्होंने लोगों का दिल ही जीत लिया भाई। उन्होंने जो है एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, ठीक है, और उन्होंने अपना कोर्स पूरा किया, उन्होंने अपनी इस डिसेबिलिटी को हार दी, उन्होंने लोगों की सारी बातों को हार दी, और आज वो हमारे जो है यूके के बेस्ट सेलिंग ऑथर्स में उनका नाम आता है। आप सोच सकते हैं एक ऐसा बच्चा जो इतने ज़्यादा ट्रॉमा से गुजरा, उसने किताब लिखनी शुरू कर दी उन बच्चों के लिए जो लर्निंग डिसेबिलिटी को फेस कर रहे हैं, और उसने किताब में ये उन बच्चों के लिए वो सारी टिप्स डाली जिससे उसने अपने आप को स्टेज पे लेकर आया। कितनी जबरदस्त कहानी है, बिल्कुल है ना। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो कहते हैं कि डिसेबिलिटी सिर्फ यहाँ पे सोच की होती है और कोई डिसेबिलिटी नहीं होती, आप कुछ भी जिंदगी में आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और ऐसा ही नहीं, अब वो उनकी जो बुक्स है उनमें खाली इन डिसेबल बच्चों के लिए नहीं, उन्होंने अपनी इस जनरेशन को, यूथ को, बहुत सारे लोगों को जो है लर्निंग प्रोसेस और इन चीज़ों में प्रॉब्लम्स आती हैं पढ़ाई में, उन्होंने उन सब बच्चों के लिए वो लेक्चर्स देने शुरू कर दिए, और उसके अलावा अपनी किताब में बहुत सारी ऐसी टिप्स दी जो हमारी यूथ को बहुत आसानी दे रही है। वेरी नाइस जी, बड़ी जबरदस्त इंस्पायरिंग खबर थी। So, अच्छी थी चारों खबरें, ठीक है, लेकिन आपकी फेवरेट कौन सी थी? हाँ, मेरी फेवरेट कौन सी थी, ये मुश्किल सवाल है क्योंकि चारों खबरें आज बड़ी कम्पीट कर रही हैं, अच्छी हैं। मेरा ख्याल है जो पहली खबर थी ना वो मेरी फेवरेट है, स्कूल ऑफ हैप्पीनेस, वो जो कोर्स है हैप्पीनेस का, मुझे लगता था आपकी वही खुश होगी सबसे अच्छी बात है ना। मुझे खुशी हो रही है कि लोगों ने इस चीज को शेयरिंग शुरू हो गई है कि हाउ टू बी हैप्पी, इसको एक्चुअली पढ़ाया जा रहा है, व्हिच इज ग्रेट। खुश रहो, जीती रहो। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक, साथियों ब्रेक से वापस आएंगे तो डॉक्टर नौशीन अब्बास जो कि पाकिस्तान की एक लीडिंग न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आएंगी हमारे शो का मुस्तकिल हिस्सा है, और आज एक ऐसे चीज के बारे में बता रही है जिसका अक्सर हम जिक्र सुनते हैं और सिर्फ ये बताने के लिए कि हमें बहुत पता, हम कहते हैं हाँ आई नो, और वो होता है थायराइड। थायराइड का क्या मसला है इसको जरा हमें डॉक्टर नौशीन बताएंगे, और इसको न्यूट्रिशन से, हम अपनी डाइट से कैसे उसका हल निकाल सकते हैं, इस पर थोड़ी सी बात होगी। रही मेरे साथ राइजिंग पाकिस्तान में। जी जनाब, आप भी मेरी तरह थायराइड का अक्सर जिक्र सुनते होंगे दफ्तर में, कहीं फैमिली में बैठे हुए आप बड़ा बताते होंगे, हाँ मुझे पता है थायराइड का क्या मसला होता है, वो चचा अमजद को भी हुआ था, वो फलाने डॉक्टर ने उसका इलाज किया था, और फिर हम आगे से पूरे नीम हकीम बन के दुनिया का इलाज करते फिरते हैं। लेकिन हमने सोचा कि इससे पहले कि हम किसी को गलत मशवरा दे दें, पहली बात तो ये है कि मेडिकल किसी भी इशू का, चाहे सरदर्द ही क्यों नहीं है, आपको दवाइयाँ अद्वियात रिकमेंड नहीं करनी चाहिए, ये डॉक्टर का काम है, उसी को करने दें। वैसे तो पाकिस्तान में हर कोई डॉक्टर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम एडवाइजिंग पीपल, लोगों को मुफ्त मशवरे देने से थोड़ा सा इज्तनाब कीजिए, ख़ास तौर पे अद्वियात और इलाज ये डॉक्टरों का काम है, उनको करने दें। डॉक्टर नौशीन आज मैं थायराइड के बारे में बताने लगी हैं जिसके हम सब एक्सपर्ट होते हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सही आपने कहा, आधा पाकिस्तान जो है ना सब डॉक्टर है। अच्छा, वो कोरोना के हवाले से वो मीम बड़ी जबरदस्त है।
कि पता नहीं जी वेस्ट ने इतने उसके वो निकाल लिए और पाकिस्तान में 10 लाख इलाज निकल आए, पता नहीं डॉक्टर अदरक प्याज और सारी चीजें सब चीजें। लेकिन अब मैंने देखा है डॉक्टर नौशीन के ये चीज इस लोगों ने थोड़ा सा सेंसिबली लेना शुरू किया और अब वो जो प्याज वाले नुस्खे थे उनको थोड़ा रुक गए। एग्जैक्टली, चलें आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो ये है कि थायराइड है क्या? ये छोटा सा हमारा गदूद है, ग्लैंड है जो कि आपके गले में इधर सामने की तरफ बटरफ्लाई शेप हम इसको कहते हैं, ठीक है? अच्छा, थायराइड का ये है कि इट्स अ मास्टर ग्लैंड, यानी कि आपकी पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, एनर्जी लेवल्स ये कंट्रोल करता है, ठीक है? अब थायराइड की दो कंडीशन है, आज हम एक करेंगे डिस्कस, क्योंकि ऑफकोर्स मेडिकल है और ये समझने की जरूरत है। हाइपोथायराइड, हाइपोथायराइड क्या है? थायराइड दो हार्मोन, तीन हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जिससे आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म सारा कुछ होता है। अब आपने अक्सर सुना होगा T3, T4, TSH चेक करा लो अपना, ठीक है? तो ये जो तीन हार्मोन्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, सही है? और हाइपोथायराइड में क्या होता है कि थायराइड हार्मोन्स का लेवल लो हो जाता है, ठीक है? ये कहते हैं ये ऑटो इम्यून डिजीज, यानी कि सेल्फ जनरेटिव है, मतलब खुद ही से इनिशिएट होती है बॉडी में, इसका कोई वो नहीं है। इसी के एक और टर्म कहलाती है हैशिमोटोज थायरॉइडाइटिस। ये हो गई टेक्निकल, फुल इंप्रेस हो चुका हूं, हो गया ना, मुझे पता था। अब मैं क्या करूँ, अब शुरू किया है तो बताना तो पड़ेगा, ठीक है? होता क्या है था कि थायराइड के अक्सर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, हमने सुना मैं हाइपोथायराइड हूँ। हाइपोथायराइड हो क्या रहा है कि आपकी लेवल जब बॉडी में कम हो गए थायराइड हार्मोन्स के, तो आप अक्सर लिथार्जी फील करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो आउट हो चुका है, आपको फटीग फीलिंग होती है, आपसे नॉर्मल अपनी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं हो रही थी। अब मेटाबॉलिज्म स्लो हुआ तो आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। आपको अक्सर पेशेंट कहेंगे मैं हाइपोथायराइड का पेशेंट हूँ और मेरा वेट गेन बहुत मुश्किल है, वो बहुत ज़्यादा है और मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा होता है, ठीक है? ठीक है, उसके बाद क्या है, इरिटेबिलिटी, रात को सोने में प्रॉब्लम हो रही होती है, आपकी रेस्टलेस स्लीप हो रही होती है, डिप्रेशन आपको तंग कर रहा होता है, ये सारी चीज़ें अब आपको आगे। अब थायराइड जो है बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन, जैसे ये आपके कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को भी कंट्रोल करता है, तो अब क्या होगा कि अगर वो लेवल्स ठीक नहीं होंगे तो आपको हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, आपको स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं, आपका हेयर लॉस होने लगता है, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। सो इसीलिए मैंने कहा कि थायराइड जो है वो मास्टर ग्लैंड हो गया। अब जैसे कि मेरी फील्ड न्यूट्रिशन है, तो हम न्यूट्रिशन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि होता क्या। अब आपने करना क्या, जब आपको डायग्नोज हो गया, पहले हमने कहा एक टेस्ट करा लें T3, T4, TSH। द मोमेंट आपको पता चला कि आप हाइपोथायराइड हैं, तो हमने न्यूट्रिशन से कैसे इसको कंट्रोल करना है, हमने देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमारे थायराइड हार्मोन्स को बढ़ा सकती हैं। क्योंकि इसमें क्या है, आयोडीन, आपने अक्सर सुना होगा, अब तो काफ़ी आयोडाइज सॉल्ट आने लगे हैं, चीज़ें आने लगी हैं, सीरियल्स आने लगे हैं। बेसिकली आयोडीन और सेलेनियम दो ऐसी चीज़ें हैं जिसके लेवल भी कम होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है? अब आपने क्या करना है कि आपने देखा हम क्या खा सकते हैं, हम सीड से शुरू करते हैं, क्योंकि बीज एक ऐसी चीज़ है जिसको हम फेंक देते हैं, ठीक है? चिया सीड्स आपके पास, फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज, ये सारी जो है, तुखमलंगा, ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी ओमेगा 3 बढ़ाती हैं, आपके आपको कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि आप देखें कि हम प्रोबायोटिक्स का नाम सुना है, मुश्किल काम नहीं है, दही, क्योंकि हमने इन्फ्लेमेशन है ये बॉडी में एक ऐसी जो कि आपके हार्मोन्स को अफेक्ट करी है, आपके ग्लैंड को अफेक्ट करी है, तो प्रोबायोटिक्स जो है वो आपकी इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करते हैं। कोकोनट ऑयल, वो आपके मेटाबॉलिज्म को एक्सेलरेट करेगा, तो आप कोकोनट ऑयल में अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। आपने देखना है कि फाइबर आप कितना ले रहे हैं, फाइबर एक ऐसी चीज़ है जो कि हर वक्त, हम मैंने आपको बताया कि आपके कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को अफेक्ट कर रहा है, तो फाइबर जो है वो आपके लेवल्स को लो करता है, ब्लड शुगर लेवल्स भी कंट्रोल करता है। आपने भी दही का जिक्र किया जी, तो दही से मुराद क्या है कि उसको अपनी डाइट का हिस्सा बनाए, रोज एक प्याला खा लिया, या दही है या पसंद बना के खाए उसमें? नहीं 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 नहीं, तो ऐसे कैसे नहीं है, इतने मसाले करके नहीं। जब तक गुफ्तगू में पसंदे निहारी बिरयानी ना आए, मैं ऐसे कुछ तबीयत खराब रहती है ना, तो बस ये एक्चुअली हो क्या गया कि गलत कॉम्बिनेशन बन गया है, तौसीक वर्सेस डॉक्टर नौशीन एंड न्यूट्रिशन। तो वो जो वहाँ से, मुझे पता था ये सब कुछ होने वाला आज मेरे साथ, मैं मेंटली प्रिपेयर होके आई थी। उसके बाद तो ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे हम हमेशा फोकस करते हैं कि क्यों, इसलिए क्योंकि उसमें भी फाइबर है, वो है। आपकी आपकी डाइट को करेगा। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ आती है कि कुछ ऐसी सब्जियां हैं तौसीक जिनको हम मना करते हैं कि आपने नहीं खाना हाइपो में, उनको कहते हैं गोइट्रोजेनिक। क्यों? क्योंकि वो आपके आयोडीन लेवल्स को कम कर रही है, ठीक है? और उसमें क्या क्या शामिल है? उसमें आपके पास पालक, आपके पास गोभी, आपके पास बंद गोभी, आपके पास ब्रोकली, कुछ फ्रूट्स भी हम मना करते हैं जैसे कि आड़ू, स्ट्रॉबेरीज, ये ऐसे हैं जो गोइट्रोजेनिक हैं। आप थोड़ा खाएं लेकिन कोशिश करें कि गोभी का तो पूरा जो आपका पूरा जो है ना ग्रुप
آپ نے اپنی ڈائٹ سے نکال دینا. یعنی بند گوبھی, پھول گوبھی, یہ ساری بروکلی, یہ ساری ہیں. ایگزیکٹلی, زندگی نامکمل سی ہے. اب کیوں پتہ کیا ہوتا ہے دوستی, وہ کیونکہ آپ کے آیوڈین لیولس کو کم کر رہی ہوتی ہے, وہ آپ کے تھائرائڈ کو کر رہا ہوتا ہے, وہ ایک سائیکل سی بنی ہوئی جس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے. اب ہم یہ بھی دیکھنا ہے کہ اور کیا چیزیں آپ نے, آیوڈین رچ فوڈ لینا ہے جس میں آپ کے پاس فش آ گئی ہے, فش کے علاوہ ڈیریز آ گئے. فش میں ہمارے پاس کوڈ کی جو ہے یا ٹونا فش جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں, اسی طرح آپ کے پاس جو ہے ڈیری میں دودھ ہے, چیز ہے, یہ ایسی چیزیں جس میں پروبایوٹکس بھی ہے, دہی ہے, یہ چیزیں آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گی. تو آپ نے اپنے آپ کو پہلے لیبل اگر ہو گئے خدا نہ خواستہ آپ, تو پھر آپ نے دیکھنا کہ میں ڈائٹ کے تھرو کیسے اپنے آپ کو مینیج کر سکتے ہوں. اور ڈاکٹر نوشین آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, اس لیے کہ بین الاقوامی سطح پہ بھی ریسرچ اب یہی ثابت کر رہی ہے کہ ہم ٹھیک ہے, میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے, ہومیوپیتھی بھی, ایلوپیتھی بھی, حکمت بھی, بہت اسپیشلائزڈ فیلڈس بن چکی ہیں, لیکن آ جا کے ایکسپرٹس یہی کہتے ہیں کہ جو کام آپ ڈائٹ کنٹرول سے کر سکتے ہیں اس کو ادویات سے نہیں کیا جا سکتا. ایبسولوٹلی, ایبسولوٹلی. سو جو بھی ہے اپنی ڈائٹ سے اپنے امراض کا ٹریٹمنٹ یا ان سے بچنے کی کوشش کریں. دیکھیں میں ہمیشہ بات کروں کہ آپ کی بات سوری میں کاٹتی ہوں, ہائپوتھائرائڈ ایک میڈیکل کنڈیشن ہے. آپ ضروری نہیں کہ اس پروگرام کے بعد صرف ڈائٹ لیں, آپ نے اپنے میڈیکل اسپیشلسٹ کو ضرور فوک کرنا ہے, ساتھ میں آپ نے ڈائٹری انٹروینشن کرنی ہے, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہائپوتھائرائڈ ڈائٹ کے تھرو بہت زیادہ, اگر 45% آپ کو میڈیسن دے رہی ہے تو 55% ہم بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں ڈائٹ کے تھرو. تو آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ صرف ڈائٹ پہ ہی فوکس نہیں کرنا, کیونکہ یہ ہارمونس کم ہو رہے ہیں, آپ نے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے مینٹین کرنا ہے, تو ڈاکٹر جو آپ کو پرسکرائب کرے گا وہ آپ نے ساتھ ساتھ لینا ہے. ڈاکٹر نوشین تھینک یو سو مچ, بڑا انفارمیٹیو سا آپ کا آج کا سیشن تھا. آئی ہوپ کہ جن ہمارے دوستوں کو خدا نخواستہ تھائرائڈ کا مسئلہ ہے, آپ کے لیے کافی رہنمائی آج کے سیگمنٹ میں ہوئی ہوگی. ہیو اے گریٹ ڈے, یو ٹو, آل دا بیسٹ. ہم چل کے لیں گے ایک رائزنگ پاکستان میں چھوٹا سا بریک, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو میں آپ کی ملاقات کروانے لگا ہوں اپنے ایک ایسے دوست سے کہ جو ٹی وی اینکر ہے اور کرنٹ افیئرس کے اینکر ہے, اور ہم نے ان سے آج جانا ہے کہ بینکر سے اینکر کا سفر کیسے طے ہوا, اس لیے کہ انہوں نے بینکنگ کے شعبے میں بھی بہت سے سال گزارے, اور یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے ساتھیوں کہ ایک ٹی وی اینکر بننے کے لیے آج کل کے زمانے میں کیا چاہیے ہوتا ہے, خاص طور پہ کرنٹ افیئرس کے شوز کے اندر اگر آپ نے اپنی ریٹنگ بڑھانی ہے, آپ نے اپنا ایک نام بنانا ہے, کیا چاہیے بھائی. آئیے آج ان سے مل کے جانیں گے. منصور میرے ساتھ ہوں گے, منصور اعظم قاضی, اور گپ شپ کا سلسلہ جاری رہے گا اس چھوٹے سے بریک کے بعد بھی میرے ساتھ رائزنگ پاکستان میں. ایک عام تاثر یہ ہے کہ جو ایک ٹی وی اینکر ہوتا ہے, خاص طور پہ کرنٹ افیئرز کے شوز کا ٹی وی اینکر, اس کو کچھ خاص انگریڈینٹس اس کے اندر ہونے چاہیے, کیوریوسٹی, میرا خیال میں تجسس, جاننے کی کھوج, یہ ایک بیسک انگریڈینٹ ہے جو اگر ایک شخصیت کے اندر ہے, کھوجنے کی اس کی ابلٹی, جاننے کی ابلٹی, راز نکلوانے کی ابلٹی, تو وہ ایک اچھا ٹی وی کرنٹ افیئرز کا اینکر بن سکتا ہے. لیکن میں کیسے بتا سکتا ہوں, میں تو خود ہوں نہیں کسی بھی کرنٹ افیئرز شو کا اینکر. تو یہ ہم جانیں گے آج منصور اعظم قاضی سے, جو کہ ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں, ایک ینگ ٹی وی کرنٹ افیئرز کے اینکر ہیں. گڈ مارننگ, السلام علیکم. السلام علیکم جی, تھینک یو ویری مچ. اور کبھی تھے یہ بینکر اور اب ہیں یہ اینکر. بالکل ایسے ہے نا, تو ایک بینکر سے اینکر کا جو منصور تمہارا سفر ہے وہ بھی آج ذرا ہم انفولڈ کریں گے. بالکل بالکل کریں گے جی. بٹ آئی ووڈ لائک ٹو اسٹارٹ فرام گورنمنٹ کالج لاہور, قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد. یہ دو وہ منصور ادارے ہیں جن سے آپ نے پڑھا. Exactly. اور ان دو اداروں کا سے جو پڑھتا ہے نا, اس کو ایک ہلکا سا یہاں سے یہاں ہو جاتا ہے نا, سینس آف پرائڈ. واٹ از سو یونیک اباؤٹ جی سی اینڈ قائد اعظم یونیورسٹی؟ فرسٹلی تھینک یو ویری مچ. اور جب میں کل اسلام آباد آیا تو دا فرسٹ پریورٹی واز ٹو کم ان یور پروگرام. As far as the Lahore thing is concerned, Government College کا ایک پرسٹیج ہے جی پورے پاکستان میں. ونس آپ کہتے ہیں کہ آئی ایم اے راویئن, یا ونس یو سے آئی ایم اے قائدین, سو دیٹس اے پرسٹیج. اس کے بعد دا اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن اوور دیئر, دا کمٹمنٹ آف ٹیچرس, اور ایک بڑا کلیئر مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ساروں کا کہ یار ہم لوگوں نے, ہم اگر ان انسٹیٹیوشنز میں آئے ہیں تو وی ہیو ٹو ریز دا بار. سو اس کے اندر آئی پرسنلی بلیو کہ ایک بہت اسٹرانگ بیس
हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि अगर आपने किसी का रिजल्ट अच्छा देखना है तो उसकी बेस पर काम करें, उसकी इंग्रेडिएंट्स पे काम करें, और वंस दैट इज स्ट्रॉन्ग तो उसका रिजल्ट ऑब्वियसली बहुत अच्छा आता है। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन की, उसके बाद कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद आ गए और यहाँ से मास्टर्स किया कपल ऑफ ईयर्स बैक। और एक चीज़ जो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि वंस आई वाज इन कायदे आज़म यूनिवर्सिटी, मैं हमेशा देखता हूँ आजकल जिस तरह हम लोग बात कर रहे होते हैं कि जी पाकिस्तान को डिवाइड किया जा रहा होता है, तोड़ने की कोशिश की जा रही होती है, द वर्स्ट एग्जाम्पल वॉज ऑफ कायदे आज़म यूनिवर्सिटी। जब मैं आया तो आई वॉज फ्राम लाहौर, पंजाबी था, तो हॉस्टल में माई फादर अल्लाह जन नसीब करे ही वॉज वेरी मच ऑफ द ओपिनियन दैट आई शुड गो इन द हॉस्टल लाइफ, मैं ज़रूर अपनी इन्जॉय करूँ। एंड वंस आई वेंट देयर तो मुझे पहले दिन पता चला कि कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के हॉस्टल डिवाइड हुए हुए हैं इंटू पंजाब, सिंध, सराइकी एंड पश्तून। और फॉर नो गुड रीज़न आज मैं हंसता हूँ कि मतलब कितनी बेवकूफाना हरकतें थी जो वहाँ पर होती थी। एंड दैट वॉज द थिंग जहाँ पर हमने देखा कि हम लोग किस तरह डिवाइडेड रहते थे, यानी जो पश्तून स्टूडेंट्स हैं उनका अलग बिल्डिंग होगी, exactly, जो पंजाबी अलग बिल्डिंग होगी। ये क्या ऑफिशियली होता था या बस वो हो जाता था कि जो पश्तून है वो वो दे प्रेफर टू हैव देयर ओन, पंजाबियों का एक अपना होता था। और उसका वर्स्ट थिंग ये होता था कि ये वो स्टेज होती है वंस लाइक यू आर एंडिंग अप योर टीन, एंटरिंग योर 20s, सो एक बड़ा अजीब सा माइंडसेट आपका बन रहा होता है। और उस एज में जो आपकी एक्सपीरियंसेस होती हैं वो आपके लाइफ टाइम चलते हैं। ट्रू ट्रू। और उसके अंदर मैं इसके अंदर बहुत सारे लोगों को, मैं भी शायद उसमें बराबर का जिम्मेदार हूँ, हम लोगों को नहीं ये करना चाहिए था। लेकिन एक वो जो कंफर्ट जोन होता है ना कि तुम इस साइड पे आओगे तो तुम्हारे साथ ज़्यादा लोग होंगे, यू नो दैट एज ब्रैकेट, एक्चुअली दिस इज एक्सप्लॉयट होती है एज। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसलिए कि एक किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप दिन में जो लेक्चर ले रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो तो एक रुख है तरबियत exactly. का और तालीम का, लेकिन ये जो आपस में हार्मनी जो डेवलप होनी true, है true. खासतौर पे एक डाइवर्स सोसाइटी के अंदर exactly. तो मेरा तो ख्याल है कि बाय प्रिंसिपल एक हॉस्टल के अंदर मिक्स होना चाहिए, पश्तून, पंजाबी, सिंधी, मिल्क, बल्कि रूम्स भी शेयर कराने चाहिए exactly. पश्तून को एक सिंधी के साथ, बिल्कुल ऐसे। सो बट ये आपने बड़ी मुझे खौफनाक किस्म की बात बताई। और मैं आपको बताऊं, दैट्स द मेजर रीजंस इन द इंस्टीट्यूशंस। अब जब हम यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, मे इट बी एनी यूनिवर्सिटी, बिल्कुल सही, हम जब वहां जाते हैं तो वी सी दिस थिंग। और ये एक वो चीज है जिसके ऊपर जितनी मेहनत की जाए वो कम है, बिकॉज 65% पाकिस्तान की यूथ है। और अगर आप यूथ को यूं डिवाइड कर देंगे तो फिर सॉरी टू यूज इट, फिर आपको किसी दुश्मन की नहीं जरूरत, फिर हम लोग खुद ही काफी हैं एक दूसरे के लिए। अब आप देखें जितनी भी यूनिवर्सिटीज के अंदर ये जो हम इंटॉलरेंस की और इन चीज़ों की बात कर रहे होती हैं, उसका अगर आप रूट कॉज देखें तो दिस इज द मेजर रूट कॉज कि यार तुम ये हो। मुझे अभी भी याद है, एक दफा हम जा रहे थे तो वो थोड़ी सी गाड़ी हिट हुई, उसका साइड मिरर, तो गाड़ी का इशू नहीं हुआ, इशू ये हुआ कि एक सिंधी पश्तून पंजाबी वाली जो उसकी गाड़ी एक पश्तून को हिट हो गई और उसके ऊपर एक मतलब यू नो सिचुएशन क्रिएट हो। जनरली हमारे यंगस्टर्स में मैं देख रहा हूँ कि शायद मुझे ये महसूस होता है, हर एक को अपनी नस्ल की यादें जो हैं वो एक नॉस्टैल्जिक भी करती हैं, लेकिन आजकल के यंगस्टर्स थोड़े से ज़रा और बाहर निकल, ये बाहर निकल वाला एटीट्यूड कुछ ज़्यादा है नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब आप वेले होते हैं ना, वो हम पंजाबी में कहते हैं ना वेला दिमाग, जब आप वेले होते हैं तो आप में एग्रेशन आता है। मैं हमेशा कहता हूं अगर आप में एग्रेशन है उसकी डायरेक्शन में लेकर चले उसको, इफ़ यू वांट टू, देखें हर बंदा रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट करता है, हर बंदा ऑलमोस्ट, एक 5 या 10% होंगे जो शायद नहीं करते होंगे, बट एट सम एज ऑफ योर लाइफ आप रिस्पॉन्ड भी करते हैं, रिएक्ट भी करते हैं, आपको गुस्सा भी आता है, लेकिन अगर आपने उसको डायरेक्शन उसकी गलत कर दी तो यू विल गो ऑन अ राइट रॉन्ग ट्रैक, लेकिन अगर आपने उसकी डायरेक्शन ठीक कर दी तो यू विल बिकम सक्सेसफुल। अच्छा, you know, वो एक तरह की वो एनर्जी है, एनर्जी जो गुस्से में भी निकल सकती है और सक्सेस की तरफ, बिल्कुल ऐसे ही है। आप चैनलाइज, अब हमारा इशू क्या है, बेरोजगारी हमारा बहुत बड़ा इशू है, हमारे जो अराउंड 2 मिलियन के करीब हर साल ग्रेजुएट्स हो रहे हैं उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, गवर्नमेंट शायद इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज दे भी नहीं सकती, सो वॉट न्यू दे कैन डू, वो एक बहुत बड़ा इस वक्त क्वेश्चन मार्क चल रहा है।
इकोनॉमी थोड़ी सी स्लो डाउन है जिसकी वजह से एक और एग्रेशन आ रहा होता है। सो मतलब ये सारा कुछ कनेक्ट, जॉब्स अगर नहीं मिल रही तो क्या करें, बिजनेस शुरू कर दें, बिजनेस करें जी, मतलब पैसे मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, देखें हम लोग पेरेंट्स भी इसमें बच्चों पे बहुत इन्वेस्ट हो रहा होता है, और जब बच्चों को जॉब अपॉर्चुनिटी, मैं आपको बैंकिंग की एग्जांपल देता हूँ, एमबीएस जिनका सीजीपीए अराउंड 3-3+ पे हो, ठीक है, उनको हम जॉब स्टार्ट करते हैं 20-25,000 से, किसी भी बैंक में, किसी बैंक में, ठीक है, 20-25,000। और हमारे पुलिस के कॉन्स्टेबल की तनख्वाह 40,000 है, ठीक है, जिसने शायद मैट्रिक या एफए किया। अब आप कंपैरिजन ये कर रहे हैं कि आप एक एमबीए को जिसका एक बहुत अच्छा सीजीपीए है, जो पाकिस्तान या बाहर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ा है, वो एक मल्टीनेशनल बैंक्स के अंदर या ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आ रहा है, तो दिस इज द जॉब दे आर स्टार्टिंग अप। तो यहाँ पे क्या हम अगर कहें कि हमारा कॉर्पोरेट बैंकिंग का सेक्टर इस्तेहसाल करता है एक नए ग्रेजुएट का? इस्तेहसाल भी करता है, अलॉन्ग विद इट हम लोगों को, फिर वही बात है, हम लोग इंटरव्यूज करते हैं और इंटरव्यूज के बाद हम लोग कह देते हैं अच्छा तुम इस साइड पे चले जाओ, आपका इंटरेस्ट, यू आर एक्सलेंट विद योर मॉर्निंग शो, यू हैव गॉट दैट लिंक, यू कनेक्ट विद द पीपल, सो मुझे पता होना चाहिए कि आपके प्लस पॉइंट्स क्या हैं। अगर मैं आज आपको कहूं कि नहीं आप बैठ जाएं और आप बैठ के हार्ड कोर करंट अफेयर्स प्रोग्राम शुरू कर दें, मे बी यू आर नॉट दैट सक्सेसफुल ओवर देयर। अगर आप मुझे कहें इफ आई सेट एंड डू मॉर्निंग शो, मे बी आई एम अ फेलियर इन दैट। सो वी नीड टू गेज द यूथ, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, 65% को आप हैपहैज़र्ड नहीं छोड़ सकते, और हमने छोड़ा हुआ है, और जिसकी वजह से एग्रेशन भी आता है, जिसकी वजह से हम फिर सड़कों पे वो गाड़ी को जरा सा हो जाए तो फिर हाँ भाई क्या हो रहा है, फिर उसको तक अच्छा जो भी अपनी मर्जी की नौकरी नहीं भी मिल रही लेकिन मिल तो रही है ना, चलो फिलहाल कर लो, एग्जैक्ट, एंड यू एंड अप डूइंग समथिंग व्हिच यू डोंट लाइक डूइंग इन लाइफ। बैंकर से एंकर का जो सफर था, ये क्या वन फाइन मॉर्निंग अचानक यार मंसूर तुम बोलते बहुत हो, तुम टीवी पे जाना चाहिए, ऐसे हुआ था क्या? हुआ I was into banking. I have done like around 19 years into banking. 19 साल banking की. 19 साल banking की contractual से start हुआ था. पहली मेरी तनख्वाह 21,000 थी और आखिरी जो छोड़ी थी वो 4.5 लाख थी. अच्छा. और I was the country head. Started from a contractual, ended on a country head, business head. Very good. Everything. One fine morning, मैंने सियालकोट में एक incident देखा था दो बच्चों वाला. आपको याद होगा. बिल्कुल. And I was sitting in my office. Or at that time I was the area manager, I was vice president of a foreign bank. ठीक है. और I realized के ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, और वही aggression, और वही तकलीफ दे चीज़ें जो हम सोचते हैं, और उन बच्चों के साथ क्या हुआ, और that was the time I made up my mind and I said के I should at least highlight these things, और उसका एक best medium was the media thing, and then I came to PTV. और मैंने फिर तकरीबन कुछ 3.5 साल आई वर्क विद पीटीवी न्यूज़। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे मंसूर, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आज बहुत से मेरे यंगस्टर्स इस वक्त जो बैठे हुए हैं और बड़े इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए कि एक्चुअली होता क्या है, हाउ डू यू बिकम अ टीवी एंकर, उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्या चाहिए होता है आजकल के ज़माने में एक कामयाब टीवी एंकर, करंट अफेयर्स का करंट अफेयर्स कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए टिप्स आप तैयार करें। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मंसूर से गपशप का सिलसिला जारी रहेगा। ये है राइजिंग पाकिस्तान। मंसूर मेरे साथ मौजूद है, मंसूर आजम काजी, जो कि टेलीविजन पे करंट अफेयर्स के शोज करते हुए आपको प्राइवेट चैनल्स पे भी नज़र आते हैं, आजकल कैपिटल के साथ हैं, लेकिन इन्होंने करियर का आगाज़ पीटीवी से किया, और कहानी हमारी वहाँ पहुँची थी कि एक बैंकर ने अचानक सोचा कि मैं एंकर बन जाऊँ। एग्जैक्टली. और फिर अच्छा, तो वो जो पहला दिन था उसके बारे में मुझे बताओ, कि वैसे तो बड़ा शौक होता है ना, जो कैमरे की लाल बत्ती ऑन होती है वो क्या मोमेंट था? पहले दिन जब मैं गया तो आई स्टिल रिमेम्बर, उन्होंने मुझे कहा अच्छा बैंकिंग के अंदर पब्लिक डीलिंग और रीजन के साथ मतलब 500,000 लोगों को एड्रेस करना, दैट वाज आदत थी मुझे इस चीज़ की ना, मतलब हर वीकेंड पे हमने डिस्कशन एंड ऑल दैट। जब मैं वहाँ पर गया, कोई डर खौफ नहीं होता, मतलब बिल्कुल आई वाज वेरी कंफर्टेबल। जब मैं वहाँ पर गया तो इसी तरह कैमरे लगे हुए, और
آپ یقین کریں یہ پی ٹی وی نیوز، یہ پی ٹی وی نیوز لاہور کی بات ہے، اور میں بیٹھے بیٹھے نا میں بالکل ایک دفعہ تو میں بالکل ڈاؤن گیا. اچھا اس کے بعد میرے ساتھ اتنے بڑے بڑے نام بیٹھے ہوئے تھے کہ میں اب سوچ رہا تھا کہ میری تو کسی نے بات ہی نہیں سنی کیونکہ سارے تو ان کو سنیں گے. اچھا میں نے کہا اچھا، اور میرا 90% میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ میرے تک اینکر نے آنا ہی نہیں ہے کیونکہ پہلے ان لوگوں سے وہ فارغ ہوگا. اچھا اور ونس دے اسٹارٹیڈ ٹاکنگ، وہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے پورا نا، ونس یو ٹاک اباؤٹ دیز، اچھا امجد اسلام امجد اور یہ، اور میں اینڈ میں نکڑ پہ بیٹھا ہوا تھا اور میں چپ کر کے نا میں دعا کر رہا تھا یا اللہ ٹائم گزر جائے کسی طرح. لیکن خیر میری باری آ گئی، اینڈ وہ خیر ہم نے یوتھ کے اوپر پہلا جو تھا وہ آپ ایز اے گیسٹ، ایز اے گیسٹ نے کہا کہ ذرا بالکل انہوں نے کہا کہ ذرا آئے تو صحیح نا، دیکھے تو صحیح، ہاؤ ڈو یو ڈیلیور. وہ دل ڈراپ کرتا ہے بالکل ایسے جہاز جیسے سنک، میرا آج بھی دل ڈراپ کرتا ہے. آج بھی جب ہم لائیو جا رہے ہوتے ہیں نا تو آئی اسٹل ریمبر 8:05 پہ وی گو لائیو، تو 8:00 کے نا جب وہ کہتا ہے نا اسٹینڈ بائی، جس طرح آپ کو کہہ رہے ہوتے اسٹینڈ بائی، تو اسٹینڈ بائی پہ نا کوئی 5 سیکنڈ کے لیے میں ایک دم ایسے دل ضرور ہوتا ہے، ہارٹ بیٹ مس ہوتی ہے کہ اچھا یار آل شوڈ گو ویل. سو اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی، ہمارے ینگسٹرز کیا کیا انگریڈینٹس ہونے چاہیے ایک شخص میں، بچی میں، بچے میں، کہ وہ کرنٹ افیئرس کا ٹی وی اینکر اچھا بن سکے؟ سب سے امپورٹنٹ آپ کو بہت ہارڈ ورکنگ ہونا چاہیے. You have to work smart. You have to know the issues exactly. Don't rely ke aapko koi researcher research karke dega to aap baat karoge. Don't do that. Agar aapne zindagi mein successful banna hai, apne concepts clear kare. Apne concepts, unless or until aap clear nahi karenge, you will never be successful. Number three. Be neutral person. You don't have to favor anyone. یعنی دو تین جماعتیں بیٹھی ہیں تو آپ کا اپنی پرسنل، لیکن پرسنل لائکنگ سر آپ کی پرسنل لائکنگ سکرین کے اوپر نہیں ہونی. اچھا آپ اگر اینکر ہیں یو ہیو ٹو بی نیوٹرل. اگر آپ کسی، میں اکثر دیکھتا ہوں ہمارے ٹاک شوز میں اینکر اسٹارٹ ڈیفینڈنگ گورنمنٹ یہ ٹھیک کر رہی ہے یا اپوزیشن یہ ٹھیک کر رہی ہے، او بھائی آپ کا کیا کام ہے اس میں؟ دیٹس ایکچولی دا جاب ڈسکرپشن آف دوز ہو آر یور گیسٹ and they are the parliamentarians and they are representing their political parties. So ye unko karne de, ye unko karne de, aapne neutral rehna. Aap apne questions, aapki research itni strong honi chahiye ki once you are asking the trade benches or the opposition benches, unko pata ho ki yaar iske agar hum program mein ja rahe hain to he knows inside out. Kitna padhte ho? I daily study 6-7 hours. 6-7 ghante daily? Kya matlab? Whatever is happening, وہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس طرح ہوا ہے، ہاؤ تھنگز آر ورکنگ آؤٹ ٹو بی. اگر اسمبلی میں کوئی چیز ہو رہی ہے، آئی لسن ٹو پی ٹی وی پارلیمنٹ آل ڈے لانگ. تو میں اکثر مذاق کرتا ہوں جب میرا بیٹا اسکول سے واپس آتا ہے تو وہ اسمبلی میں اکثر ہو رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے بابا یہ سارا دن لڑتی رہتی ہیں یہاں پر، تو میں ان سے کہتا ہوں کوئی بات نہیں. پھر کہتے ہیں بابا یہ آپ کے فرینڈز ہیں سارے، تو ان کو آپ کیوں نہیں کہتے کہ نہ لڑا کرے؟ تو بیٹا تو بڑا معصوم ہے. تو اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایسا مومنٹ کہ بالکل ایک پینک مومنٹ تھا، کوئی لائیو شو جانا تھا یا جا رہا تھا، وٹ از دا مومنٹ جو وچ یو کین نیور فرگیٹ اپنے شو کی پرائیویٹ سیکٹر میں یا پی ٹی وی پہ کرتے ہوئے کبھی کوئی؟ اچھا اس میں اٹس ون ٹائم ہیپنڈ ایٹ پی ٹی وی. ہم لوگ پروگرام کر رہے تھے اور بڑے مزے سے پروگرام چل رہا تھا، اینڈ آل آف اے سڈن لائٹ چلی گئی. او اچھا، اور لائٹ چلی گئی نا، اب جو میرے اسلام آباد گیسٹ تھے جو کراچی تھے اور لاہور تھے ان کو لنک ہوئے ہوئے تھے، لنک ہوئے ہوئے تھے اور کراچی والے بول ہی رہے تھے نا، تو ہمیں تو نہیں پتا تھا کیونکہ ہماری لائٹ چلی گئی. اچھا اس کے بعد ریوائو ہوا اینڈ آل دیٹ. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انہوں نے کتنی بات کی ہے، اینڈ آئی تھاٹ کہ میں ان سے کہوں کہ آپ دوبارہ بات کریں، لیکن وہ اتنا اس کا شارپ ٹائمنگز ہو گئی ایک دم کہ اس وقت دیٹ واز دا مومنٹ مجھے لگا کہ یار یہ نہ میرے سے کوئی تھوڑا سا گلچ ہو نہ جائے. لیکن وہ میرے خیال میں شاید کراچی ٹیم واز گڈ انف، انہوں نے اسی وقت کہیں ان کو بتا دیا کہ جی ادھر تک آپ نے بات کی، اب اس کے بعد شروع کرنی ہے. سو دیٹ واز دا تھنگ. ادر وائز الحمد للہ تھنگز ہیو بین ورکنگ آؤٹ گڈ. ٹف سچویشنز ہو جاتی ہیں اکثر، لیکن کبھی کس پولیٹیشن نے تمہیں ٹف ٹائم دیا؟ ایز این اینکر لینے کے دینے پڑ گئے؟ نہیں، ناٹ ایز سچ، ٹو بی ویری آنیسٹ، ناٹ ایز سچ. لیکن
آئی آلویز وانٹیڈ کہ میں آئی شوڈ میں آئی ڈنٹ گیٹ اے چانس ٹو انٹرویو جنرل مشرف. آئی آلویز وانٹیڈ ٹو ہیو ہم بیکاز دیٹ واز اے گائے ہو ہیڈ اے ویری کلیئر مائنڈ اور آئی پرسنلی بلیو کہ ہی ہیڈ لاٹ ٹو آفر لیکن شاید انہوں نے کیا نہیں اس طرح. اگر آپ کو موقع ملتا زندگی میں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو انٹرویو کریں, کوئی ایک سوال جو آپ جناح سے ضرور پوچھتے ہیں؟ ویری نائس. مطلب آئی ول بی ویری آنیسٹ, آئی ریئلی ہیو ٹو تھنک آن دیٹ. قائد اعظم محمد علی جناح, اف آئی آلویز سے کہ دا بیسٹ پریزنٹ ہی ہیز گیون ٹو اس از پاکستان. اینڈ یہ جو تھاٹ تھی نا ان کی, پہلے مسلم انڈینز اکٹھے ہندو, اور اس کے بعد ونس ہی ریئلائزڈ اٹ, یہ ریئلائزیشن کیسے آئی؟ اینڈ آئی پرسنلی بلیو کہ دا ٹائم اسپین وچ ہی ہیز اسپینڈ ود انڈینز اور ان کو سمجھ آئی, بیکاز ہی واز این امبیسڈر آف پیس فار مسلم ہندو اینڈ آل دیٹ. لیکن اس کے بعد یہ جو ان کے اندر ایک شفٹ آیا, پیراڈائم شفٹ, کہ مسلمانوں کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہونا چاہیے. آئی ریئلی وانٹڈ ٹو ہیو دس اسکول آف تھاٹ کہ کیا کچھ انہوں نے فیل کیا. Obviously, situation. یہ شفٹ کیا, وہ کوئی ایک واقعہ تھا, وہ کوئی ایک exactly. دن تھا, جس طرح کہتے ہیں ٹریگر, what was the triggering point of that? تو یہ پوچھنا چاہوں, یہ بالکل I would really, because یہ چیزیں اس 22 کروڑ عوام کو پتا ہونی چاہیے اور اس میں اس یوتھ کو پتا ہونی چاہیے, بیکاز ٹو بی ویری آنےسٹ وی ٹیک پاکستان فار گرانٹیڈ. وی ہیو نو آئیڈیا واٹ از, مطلب ہم نے کتنی مشکل سے پاکستان کو حاصل کیا ہے, ہمارے بڑوں نے کیا کچھ کیا. آئی جسٹ وانٹ ٹو گیو این ایگزامپل. مائی فادر واز 14 years old اور انڈو پاک میں ایک انگلش اسپیچ کانٹیسٹ ہوا جس کے چیف گیسٹ قائد اعظم محمد علی جناح تھے. اینڈ مائی لیٹ فادر ہی انہوں نے وہ جو اسپیچ کانٹیسٹ تھا اس کے اندر ہی ٹاپ انڈو پاک میں. اینڈ قائد اعظم گیو ہم اے برکت علی گولڈ میڈل. I still have his picture with me. اور ڈائس کے اوپر ان دا لاسٹ اسٹیپ ابو وہاں پر رک گئے اور قائد اعظم نے کہا کہ آپ اوپر آ جاؤ, ان انگلش کے اوپر آ جاؤ, اور انہوں نے کہا میڈل دینا, میڈل دینے کے لیے. اور انہوں نے کہا سر نیور ایٹ یور لیول. واہ, مطلب میں صرف ایک چیز بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ہوتی ہے نا ریسپیکٹ ایک لیڈر کی, وہ ارن کرتا ہے. He has earned it. ایک 14 years old young boy, he doesn't know, وہ اوپر بھی چلا جائے and all that. But that age, وہ جو ایک فیز تھا اس یوتھ کا, قائد اعظم کی رسپیکٹ قائد اعظم نے ارن کی. Absolutely. By what he has delivered. منصور کا کبھی کبھی دل کرتا ہے واپس بینکنگ میں جاؤں؟ میرا کرتا بھی ہے اور مجھے کہتے بھی ہیں. ابھی ریسنٹلی آئی واز ٹیلنگ یو, مجھے دو تین ہمارے بڑے سینئر پریزیڈنٹس اینڈ آل دیٹ دے سیٹ کہ یار واپس آ جا, وی مس یو. تو میں کہہ رہا ہوتا ہوں کہ سر میں آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا نا, میں آئی ٹرائی کہ میں اپنی جس چیز پہ لگا ہوا ہوں میں اس پہ کر لوں, لیکن یو نیور نو واٹ کمز اپ ٹمورو. سو بینکنگ کے پروفیشن کی کون سی ایک چیز ہے جو کہ بہت بہت یونیک ہے, جو اور کسی اور پروفیشن میں نہیں ہے, وچ یو مس؟ آئی مس, اچھا ٹو بی ویری آنیسٹ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, آئی ایم اے ویری ڈفرنٹ آل ٹوگیدر ان دس. جن رستوں کو میں چھوڑ دیتا ہوں میں ان پہ دوبارہ نہیں جانا پسند. ہائے ہائے ہائے, میں اگر کسی چیز کو, یہ تو مجھے کسی ڈرامے کا ڈائیلاگ بڑا زبردست لگ رہا ہے. میری 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 کبھی, میں آپ کو جس آفس سے میں نے چھوڑ دیا میں اس آفس پہ کبھی نہیں گیا. 19 سال میں نے بینکنگ کی ہے, میرے پاس میرے خیال میں شاید کوئی لاکھوں نہیں تو ہزاروں میں لوگوں نے کام کیا ہوگا میرے پاس. آئی سوائے ایک دو کے جو میرے پرسنل دوست ہیں, آئی ہیو نیور کالڈ اور وینٹ ٹو اینی ادر بیک ٹو اینی آفس. یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے, مطلب روابط رکھنے چاہیے. روابط از اندر تھنگ, روابط گھر پہ آتے ہیں کھانے کھاتے ہیں, بٹ آئی پریفر ناٹ ٹو گو بیک. اور میں کبھی کسی کو کام بھی نہیں کرتا, میرا یہ بڑا کلیئر ہے. اور میرے خیال میں بینگ ان ٹو میڈیا ایک میری جو تھوڑی سی آئی فیل لائک کہ مجھے تھوڑی سی لوگ میرے سے عزت کرتے ہیں اور اس چیز کا, آئی میٹ ایوری ون, I may be the bureaucrats, the politicians, but I never say them work. And اور یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے, ضروری نہیں ہوتا کہ اگر میں تو سی کے پروگرام میں آیا ہوں تو آئی شوڈ سے ہم کہ یہ بھی کرا دیں, یہ بھی کرا دیں, یہ بھی کرا دیں, بیکاز یو آر اینکر یا یو ہیو اے گڈ میس اپیل آؤٹ دیئر. اٹس اباؤٹ یور انر سیلف. اف یو آر ناٹ سیٹسفائڈ فرام انر سیلف
तो फिर ये जो बाकी सारी होती हैं ये बस ये सिर्फ चार दिन की जिंदगी होती है जिसको हम लोग लेकर बैठ जाते हैं कि शायद जी ये पूरी जिंदगी रहनी है। आखिर में मुझे जरूर बताओ कि जो करंट अफेयर्स के टीवी एंकर्स हैं उनके बारे में कहा जाता है, बात शायद किसी हद तक सही भी है, कि आप लोगों के मुख्तलिफ इदारों के अंदर सोर्सेज होते हैं और वहां से आपको अंदर की बातें खबरें पता चल रही थी, ये सोर्सेज होते हैं? बिल्कुल होते हैं, और अगर सोर्सेज नहीं हैं तो यू आर नॉट सक्सेसफुल। अगर आपको पल्स का नहीं पता, अगर आप किसी का इंटरव्यू करने जा रहे हैं और आपको पल्स का ही नहीं पता, फॉर इंस्टेंस इफ यू आर गोइंग टू मीट एनी मिनिस्टर, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, या एनी ब्यूरोक्रेट, और आपको पता ही नहीं कि उसकी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर क्या प्लस चीजें हैं, क्या माइनस चीजें हैं, कहाँ पर लूप होल्स हैं और क्या वो अच्छा डिलीवर नहीं कर रहा, तो फिर यू आर फिर आपको ये काम नहीं करना चाहिए, फिर यू शुड सिट होम। वापस बैंकिंग में चलो। Mansoor, thank you very much. Thank you very much. What a pleasure it was to have you on my set. Thank you very much. बहुत शुक्रिया, जीते रहो, खुश रहो, proud of you. हम चल के लेंगे एक आपसे लंबा ब्रेक, जिसमें हम अगले प्रोग्राम में आपके पास आएंगे, क्योंकि राइजिंग पाकिस्तान की आज की नशिस्त का वक्त हुआ तमाम। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, जिंदगी ने दी इजाजत, फिर मुलाकात होगी, खुदा हाफिज़।